नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, कुछ ही घंटों का समय रह गया शेष जब दूसरे फेज की पोलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए, अब बारी है 94 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया की। उसके बाद बारी आएगी तीसरे यानी कि आखिरी फेज की पोलिंग की, जब 78 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। क्या आपको दूसरे और तीसरे चरण के मतदान से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में पता है? नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। क्या आपको मालूम है कि जिन 172 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे वहां पर महिला वोटरों की भूमिका कितनी निर्णायक और कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है? आपको हम बता दें, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 172 विधानसभा सीट, ये वो सीट है जहां पर महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को पछाड़ दिया। जी हां, 100 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं की तुलना में बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोकतंत्र के महापर्व में सरकार बनाने में एक निर्णायक भूमिका अदा की। तो 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं की तुलना में बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो एक बार फिर से पोलिंग बूथों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगी और एक बार फिर से महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं को शिकस्त देंगी। एक और अहम बात हम आपको बताते हैं, महिला वोटरों का सबसे ज्यादा असर तीसरे यानी कि आखिरी फेज की पोलिंग के दिन देखने को मिलेगी। अगर हम पिछले ट्रेंड्स की बात करें तो 78 विधानसभा सीटों में से 60 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर महिला वोटरों ने पुरुष मतदाताओं की तुलना में ज्यादा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उम्मीदवार की जीत और हार में निर्णायक भूमिका अदा की। ये कोसी और सीमांचल के इलाके थे और संयोग की बात यह है कि इस बार भी इन इलाकों में आखिरी फेज में ही मतदान होने जा रहा है। अगर हम व्यापक रूप से बताएं तो 2015 में 243 बिहार विधानसभा सीटों की 114 ऐसी सीटें थी जहां पर महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से काफी आगे रहीं। खास तौर पर अगर हम दो विधानसभा सीटों की बात करें, मधुबनी की लौकहा और कटिहार की बलरामपुर सीट, यहां पर 1 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं अगर हम बात करें पुरुष मतदाताओं की तो कोई भी ऐसी सीट नहीं रही जहां पर 1 लाख से ज्यादा का आंकड़ा पुरुष मतदाताओं ने पार किया हो। ट्रेंड्स की माने तो एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों की अहम भूमिका होने वाली है और अगर हम महिला वोट बैंक की बात करें तो कमोबेश तमाम राजनीतिक गठबंधनों ने, राजनीतिक पार्टियों ने इस वर्ग को साधने की कोशिश की है, रिझाने की कोशिश की है, लुभाने की कोशिश की है। खास तौर पर अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो अपने हर एक भाषण में, हर एक मंच से उन्होंने महिलाओं की बात की है, महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात की है। और अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो शराबबंदी एक बहुत बड़ा फैसला था जिसका महिलाओं ने पुरजोर तरीके से समर्थन किया और नीतीश कुमार का साथ दिया। और इस बार भी नीतीश कुमार ने गाहे बगाहे कई बार महिलाओं से तमाम जुड़े हुए मुद्दों को उठाया, खास तौर पर महिला सुरक्षा। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी, इस बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार को मिलेगा महिला वोटरों का साथ? इंतजार फिलहाल नतीजों का कीजिए, 10 नवंबर का कीजिए। और चलते चलते हम आपको बता दें कि 10 नवंबर को सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए आप दिन भर बने रहे हमारे साथ यानी कि बिहार तक के साथ।